कैसे है यूट्यूब फैमिली, कैसे चल रहा है आपका? आशा करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। मैं पीयूष राय आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो कि अभी एकदम गर्मा गर्म तवे से उतरा है। टॉपिक है लॉकडाउन 4.0। चौथी लॉकडाउन की जो किस्त है, जो भारत की है, वो आ चुकी है। डेट है 17 मई 2020, और इसको आना ही था, इस लॉकडाउन को आना ही था। और जहां तक मेरा हिसाब है कि लॉकडाउन 5 भी आएगा। इस लॉकडाउन 4 को एक्सटेंड किया गया है 17 तारीख से 30 तारीख तक, 17 मई से 30 मई तक के लिए, और उसके बाद भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से लॉकडाउन को भी बढ़ना जरूरी हो गया है। पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो बना रहेगा कुछ अगले कुछ महीनों तक। आज का दिन है 17 मई 2020। मैं आपको बताता हूँ कि आंकड़े कितने हैं कोरोना वायरस के इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना, जिसने कोरोना वायरस की उत्पत्ति ही की, वहां पर आज के डेट में 82,947 मरीज हैं जो संक्रमित हैं, जो संक्रमित आज तक केसेस वहां पर डिटेक्ट हुए हैं। जबकि भारत में ये पहुंच चुका है आंकड़ा 90,927 का। आप समझ सकते हैं करीब करीब 8,000 ज्यादा संक्रमण के केस हमारे पास आ चुके हैं चाइना के कंपैरिजन में। और जहां जहां जैसे जैसे जिस तरीके से हमारी टेस्टिंग बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे संक्रमित मरीज भी बढ़ेंगे। जनसंख्या में तो हम अभी कुछ दिन में उनको पीछे छोड़ ही देंगे, संक्रमण में अभी हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। लॉकडाउन फर्स्ट जो था, जो भारत में था, वो 3 हफ्तों के लिए था। लॉकडाउन सेकेंड जो हुआ वो भी 3 हफ्तों का हुआ। लॉकडाउन थर्ड 2 हफ्तों का हुआ। और लॉकडाउन फोर्थ आज के दिन 17 मई को ये 2 हफ्तों का हुआ है। तो आप देखिए कि अभी ये कम कम ड्यूरेशन के ये कर रहे हैं, लेकिन ये लंबा भी जाएगा जो मुझे लगता है। मोदी जी ने कहा कि जो लॉकडाउन 4.0 होगा, ये नए तरीके से होगा, नए वेशभूषा में होगा, नए रंग रूप में होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें अलग है ये पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो चाहता है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से उठा दिया जाए, या फिर लॉकडाउन पूरी तरीके से थोप दिया जाए या बरकरार रखा जाए। क्यों? क्योंकि हर सेकेंड राजस्व की जो कमी आती है, उसको भरना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आपको देश के चौथे लॉकडाउन के कुछ नियम बता देता हूँ। शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आपका बाहर निकलने पर रोक रहेगी। एयरलाइंस और रेलवे चलती रहेगी, लेकिन कुछ ही सुविधाएं उसकी चलेगी, आप बाकी सारी सुविधाओं का इस समय लाभ नहीं उठा सकते। मेट्रोज बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेजेस या फिर कोचिंग्स बंद रहेंगी, होटल्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे, थिएटर्स, बार, इंटरटेनमेंट पार्क्स, मंदिर, मस्जिद, सारे जितने भी रिलीजियस जगह हैं वहां पे गैदरिंग नहीं होगी, वो बंद रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस लॉकडाउन में कुछ छूट मिली है जो पिछले में नहीं थी। ई कॉमर्स वेबसाइट्स रेड जोन्स थी, उसमें एसेंशियल आइटम्स ही सिर्फ दे रही थी, मतलब कि सिर्फ जरूरत की सामान, जैसे खाने पीने के सामान है ऐसा कुछ। लेकिन अब रेड जोन्स में जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जिससे भी आप मंगाते हैं सामान अपने, वो रेड जोन्स में भी नॉन एसेंशियल आइटम्स और एसेंशियल आइटम्स देगी। मतलब अब आप कोई भी जोन हो, रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन, कुछ भी आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। जो स्पोर्ट्स की जो आपके स्टेडियम्स थे वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन वहां पे आप स्पेक्टेटर्स जो है, ऑडियंस है, वो नहीं जा सकती। बारबर शॉप, स्पा, सैलून, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, कैब्स, ये सारी चीजें खुल जाएंगी। रेड जोन्स में मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन जोन्स में तो वो ऐसे भी मेरे ख्याल में खुली हुई है। मैं रेड जोन्स में हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये सारी चीजें बंद है। मैं बता पा रहा हूँ कि नहीं, ये सब खुल जाएंगी। होटल्स या रेस्टोरेंट्स जो है वो आपको घर पे फूड डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक चीज फ्री है, वो है ट्रेंडिंग राय के वीडियोस। आपको नीचे जो है वो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना है, और जो बगल में घंटी है उसे दबा देनी है। आप बस ये समझिए कि आप पड़ोसी के घर की घंटी दबा रहे हैं, बस ये दोनों आपको काम कर देना है। आपको जब जब मेरी वीडियोस आएगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसे समय निकाल के देख लीजिएगा। मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाता रहूंगा ऐसे ही, और आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।